यहाँ सर्वसमिका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी होता है ना। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? अब देखिए इनका यूज कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए हमने दे दिया 79 का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर और अपान में 79 प्लस 78, ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना। अब मान लीजिए जिनको इस सर्वसमिका का यूज करना नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऐसे अलग अलग निकालेंगे कि 79 का स्क्वायर करेंगे, पहले 79 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस तरह से निकालेंगे 9 9 81 और 9 7 63 और 8 हो जाएगा 71। क्लियर है? और इधर 7 9 63 और 7 7 49 और 6 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जब ऐड करोगे तो 1 और 3 1 4 और 7 5 12 2 और हासिल, यहाँ 5 था हासिल 1 6, मतलब कितना आ गया 62। तो ऐसे लिखेंगे कि मतलब 62 41 माइनस, और अब देखिए 78 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऐसे अलग से इसका भी निकालेंगे कि 78 मल्टीप्लाई क्या 78 8 2 64 के 4 8 7 56 और 56 और 6 कितना हो जाएगा 62 हो गया और 7 8 56 यहाँ 6 हो गया 7 7 49 और हासिल 5 54 हो जाएगा ना, 49 और 5 54 ही तो होगा। तो 4 यहाँ 6 2 8 और इधर 6 4 10 और यहाँ 5 1 6 यहाँ लिखेंगे माइनस 6 0 8 4 है ना। और नीचे क्या है प्लस है तो इसको प्लस करेंगे कि 8 9 कितना हो जाएगा 8 9 17 के साथ 7 7 14 और हासिल 1 15 मतलब 157। अब फिर ये माइनस करेंगे, इनको माइनस करो, एक में से चार तो जाएगा नहीं, हासिल लिया गया 11 में से चार गया 7 4 11 7 आ गया, यहाँ पर एक हासिल दिया गया था 3 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल लिया गया 13 13 में से 8 गया तो 8 5 13 5 आएगा, यहाँ पर एक हासिल इन्होंने दिया था तो बचा क्या है 1 1 में से 0 गया 1 आ गया, इधर 6 में से 6 0 गया 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा है ना, और अपान 157। तो ये और ये कैंसिल होकर कितना बचा 1 आया है ना। एक तो ये तर ये है ना, जिनको नहीं पता है, लेकिन अगर आपको इस फार्मूले का यूज करना पता है तो आप सीधा कहोगे कि 1 का डिफरेंस, आप सीधा कहोगे कि यहाँ से देखो क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूँ 79 स्क्वायर माइनस 78 स्क्वायर और अपान में 79 प्लस 78, आप तुरंत कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है और वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। आप सीधा कहोगे यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या है 79 है और बी के प्लेस पर क्या है 78 है। क्लियर है? तो क्या हम फार्मूले पर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बोलो ब्रेक कर सकते हैं। जब आप फार्मूले पर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 79 स्क्वायर माइनस 78 स्क्वायर और अपान, अभी फिर से मैं लिख दूंगा ये चीज़ है, तो जब इनको आप ब्रेक करोगे तो आप कह रहे हो हम लिख सकते हैं इनको ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 79 प्लस 78 है ना एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या 79 माइनस 78 और अपान में नीचे वाला नीचे ही 79 और प्लस 78। अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया और जब 79 में से 78 निकल जाएगा कितना आएगा 1 आएगा ना, तो ये 1 तुम्हारा आंसर हो गया। अब बताइए कौन सा आसान, ये वाला आसान है या ये आसान है, दोनों आसान है, लेकिन इसमें ज़्यादा झमेला किस में है, इसमें है, क्योंकि यहाँ अगर आपका स्क्वायर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी आपको फार्मूला पता है, देखो जो रूल बनता है उन सबका रीजन होता है, आपने सीधा कहा कि अभी एक दो क्वेश्चन जब लगाएंगे तो कमांड बन जाएगा सीधा है ना, तो आप सीधा कहेंगे कि 79 स्क्वायर, तो आप कंपेरिजन कर लेंगे कि ए के प्लेस पर 79 है और बी के प्लेस पर 78 है, तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, आपने ब्रेक कर दिया 79 माइनस 78
एक ब्रैकेट में, और 79 प्लस 78 एक ब्रैकेट में, ये हुआ। तो यहाँ 79 प्लस 78 नीचे है 79 प्लस 78, ये दोनों कैंसिल हो गया है ना। और यहाँ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर वन वन बन जा तो वन ही होगा ना, 79 में से 78 गए, वन आएगा यहाँ पर, और वन को जब वन से मल्टीप्लाई करोगे एक आएगा, तो यहाँ पर वन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मैं ऐसे कह दूँ कि रूट टू का, क्लियर है, रूट टू का स्क्वायर, क्लियर, रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, रूट टू स्क्वायर माइनस रूट सेवन स्क्वायर, और अपान में मैं लिख दे रहा हूँ रूट टू माइनस रूट सेवन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो आप सीधा कहे अरे ये तो बिल्कुल ईजी है, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। क्या इस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब कंपैरिजन करेंगे तो ए के प्लेस पर क्या है, रूट टू है, और बी के प्लेस पर क्या है, रूट सेवन है, है ना। ए के प्लेस पर रूट टू है और बी के प्लेस पर क्या है, रूट सेवन है। तो अभी कर लेते हैं, तो यहां पर जब ऐसा करो, इनको लिखोगे आप, ब्रेक कर दो रूट टू, क्लियर है, या एक मिनट में यहां दो रूट टू कर देता हूं, दो रूट दो, क्लियर है, ये मैं कर देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। ए के प्लेस पर क्या, दो रूट टू है। तो आप जब इसको लिखेंगे दो रूट टू है ना का होल स्क्वायर है, और माइनस रूट सेवन का क्या है, होल स्क्वायर, और अपान में दो रूट टू और माइनस रूट सेवन। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में कर दो एक बार माइनस में। जब आप प्लस में करोगे तो क्या आएगा, दो रूट टू और प्लस रूट सेवन, दो रूट टू प्लस रूट सेवन, एक ये हो गया, और एक माइनस वाला कर दो रूट टू और माइनस रूट सेवन, किए इतना, और नीचे का नीचे लिख दो रूट दो माइनस रूट सेवन, मतलब टू रूट टू माइनस रूट सेवन। तो अभी देखो ये दोनों सेम बिरादरी का मिल गया, ऐसे समझ लो, कट जाएगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, टू रूट टू और प्लस रूट सेवन, यही तुम्हारा हो गया आंसर हो गया। समझ में आया? क्योंकि ऐड तो हो नहीं सकता है, क्लियर है, इसलिए ये आंसर हो गया। तो ये आपका सॉल्व करने का ये तरीका हो गया। नहीं पता रहेगा तो आप अलग अलग निकालोगे, क्लियर है, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करोगे, अलग अलग निकालोगे। अब अलग अलग कैसे निकलेगा, देखिए दो रूट दो, क्लियर है, का होल स्क्वायर आप इसका पहले निकालोगे, इसको अलग अलग लिखोगे, दो रूट दो और मल्टीप्लाई दो रूट दो, दो दूना तो हो गया चार, है ना। और कभी भी देखो रूट टू रूट टू, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये देखो दो दूना इधर तो हो गया चार, और इधर रूट टू का होल स्क्वायर हो गया, हाँ, तो ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्लियर। तो क्या बच्चा, चार इंटू दो, चार दूना कितना हुआ, आठ हुआ। तो आप कहोगे इसका वैल्यू कितना है, आठ आया। इसी तरह रूट सेवन का जब निकालेंगे तो रूट सेवन का क्या होगा, रूट सेवन है ना, रूट सेवन मल्टीप्लाई रूट सेवन। तो अभी यहां इनको क्या लिख सकते हैं, रूट सेवन का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट सेवन कैंसिल हो गया, मतलब आंसर क्या आया, सेवन आया, क्लियर है। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, जब पुट करोगे तो दो रूट दो का होल स्क्वायर माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर, अपन ये क्वेश्चन है आपका, दो रूट दो और माइनस रूट सेवन, ये है। जब आप इनको ब्रेक, इनका वैल्यू क्या आया, इनका क्या है, आठ है, और माइनस इनका आंसर क्या है, सात, आठ माइनस सात, और अपान क्या है यहाँ पर, दो रूट दो और माइनस रूट सेवन है ना, इतना आठ में से सात गए कितना आया, एक। तो आप कह रहे हो एक अपान दो रूट दो माइनस रूट सेवन है, ये चीज आया, है ना। अब इनका करोगे परमेयकरण, क्लियर है, इनका परमेयकरण करोगे तो नीचे माइनस में, तो ऊपर क्या करो, दो रूट दो प्लस से कर दो, प्लस रूट सेवन, और यहाँ नीचे दो रूट दो और प्लस रूट सेवन। जब ऐसा आप करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, दो रूट दो है प्लस रूट सेवन, और देखो नीचे वाला फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, है ना फार्मूला, अरे वही a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे भाई देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी,
ये चीज अगर इसको हम उल्टा करके लिख दें ऐसे, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर तो यही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही उल्टा वाला, यहाँ उल्टा करके लिख दो, दो रूट दो का स्क्वायर और माइनस रूट सेवन का स्क्वायर, क्लियर है, दो रूट दो का स्क्वायर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए दो रूट दो, क्लियर है, दो रूट दो और यहाँ प्लस रूट सेवन, क्लियर, दो रूट दो और प्लस रूट सेवन और नीचे वाला, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आठ आएगा ना, अभी आपने किया भी सॉल्व, दो रूट दो का स्क्वायर आठ आएगा, तो यहाँ पर आठ माइनस और रूट सेवन को जब सॉल्व करोगे तो सात आएगा, तो आठ माइनस सात, है ना, क्या आएगा, आठ माइनस सात, तो देखो यहाँ पर यहाँ एक आ जाएगा ना, तो दो रूट दो और प्लस रूट सेवन, है ना, और अपान एक, एक तो लिखा नहीं जाता है इसलिए यही आंसर, बताइए कौन सा, अब बताइए कौन सा आसान है, फार्मूला वाला आसान है या बिना फार्मूला वाला, भाई रूल बना है कुछ तो रीजन होगा ना, तो आपको यही फार्मूले पर सॉल्व कर, क्योंकि फाइनली लास्ट में देखो हम फार्मूले पर ही पहुंचे, लास्ट में हम कहाँ पहुंचे, फार्मूले पर ही पहुंचे, तो क्यों ना हम इसी को सॉल्व करें, बस केवल क्या करना है, कंपैरिजन करना, फार्मूला भी छोटा सा है और वो फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में अनदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, याद रहेगा ना, बोलो इतना क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, कोई समस्या इसमें, चलिए ठीक है।